एवरीवन, मैं शानवी बा फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया है तो आप लोगों को पता चल गया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं होंडा की अमेज कारी पे। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो सर लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी लेटेस्ट और मज़ेदार टॉपिक के साथ आती हूँ। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। जैसा कि मैंने बताया तो होंडा भारत में अपनी नई अमेज फेसलिफ्ट को लॉन्च करने के लिए कमर कस रही है। होंडा अमेज जो जापानी ऑटोमेकर के सबसे सफल प्रोडक्ट में से एक रहा है, उसे 17 अगस्त को लॉन्च होने के साथ एक नया फेसलिफ्टेड डिज़ाइन मिलेगा। हालांकि कुछ डीलरशिप ने अभी तक ऑफिशियली लॉन्च से पहले ही होंडा अमेज फेसलिफ्ट के लिए नई तरीके से अनऑफिशियल तरीके से बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। अगर इसके नए एडिशन की बात करें तो कुछ डिज़ाइन ट्विक और नई सुविधाओं के साथ इसके आने की उम्मीद है। अमेज़न का वर्तमान अगर एडिशन आप देखो तो वो आपको ऑटो एक्सपो 2018 के दौरान अपनी शुरुआत के बाद 2018 से भारत में बिक्री पर है। चूँकि यह सिर्फ एक नया रूप है और अमेज का नया मॉडल नहीं है, हम डिज़ाइन पर कुछ मामूली बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। आने वाली कार में नए फुल LED हैंडलैम्प के साथ साथ नए अलॉय डिज़ाइन और नए सिरे से बने बम्पर के आने की संभावना है। कंपनी नए कलर ऑप्शन भी पेश कर रही है। हालांकि अंदर से होंडा नए अतिरिक्त की एक सूची के साथ ग्राहकों को एक बहुत तरीके से अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकती है। कार में सीटों के लिए नया फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ नया इंटीरियर ट्रिम पीस और नई सुविधाओं के लिए एक आपको लिस्ट मिलने की संभावना है। अगर इसकी बात करें तो आपको होंडा अमेज के साथ पेश किए गए मौजूदा इंजन सेटअप विकल्प में कोई बदलाव करने की बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मिड साइज सेडान पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें 1.2 लीटर आईवेटेक पेट्रोल इंजन शामिल है जो आपको 110 Nm के टॉर्क के साथ 90 HP के अधिकतम पावर आउटपुट के साथ आता है। वहीं अगर हम बात करें डीजल इंजन की तो डीजल इंजन विकल्प 1.5 लीटर इकाई है जो 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ जोड़े जाने पर 110 BP की पावर और 200 Nm का टॉर्क पैदा करता है। CTV ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आपको होने पर यह इंजन सेटअप 80 HP की शक्ति और 160 Nm का टॉर्क उपलब्ध आपको प्रोड्यूस करके देगा। लॉन्च के साथ नई होंडा अमेज फेसलिफ्ट का मुकाबला बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी डिज़ायर, टाटा टिगोर, हुंडई ऑरा और फोर्ड एस्पायर जैसी कार्स के साथ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा अपडेट होंडा अमेज को लेके। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और ऐसे ही आप हमारे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर अपडेट से आप रूबरू हो पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।